90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे से तो हर कोई वाकिफ है, जिन्होंने 90 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर खूब राज किया था। जिनकी हर एक अदा इतनी लुभावनी थी कि दर्शक इनकी तारीफ करते थकते नहीं थे। लेकिन दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि सोनाली बेंद्रे ने 90 के दशक में राज किया, पर क्या आप ये जानते हैं कि इन्होंने कैसे बॉलीवुड में इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया, यानी कि कैसे फर्श से अर्श तक पहुंची? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज हम आपको सोनाली बेंद्रे के फर्श से अर्श तक की सफर के बारे में रूबरू कराने वाले हैं। मगर उससे पहले आप इस खूबसूरत अभिनेत्री के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मुंबई से ही कम्प्लीट की थी। बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में, तो हम आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे का बचपन से ही एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था, जिसके चलते इन्होंने एज अ चाइल्ड कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट और कमर्शियल भी किए। जिसके बाद जब ये बड़ी हुई तो उन्होंने साल 1994 में आग फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू किया, मगर इन्हें अपनी असली पहचान मिली साल 1996 में आई एक्शन रोमांस फिल्म दिल जले से, जिसमें इनके कैरेक्टर को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इनकी एक्टिंग को भी, जिसके बाद इनके आगे तो मानो फिल्मों की लाइन ही लग गई। जी हाँ, इसके बाद ये कई सारी फिल्मों में नजर आईं, जिनमें मेजर साहब, हम साथ साथ हैं और कल होना हो जैसी फिल्में शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने हिंदी सिनेमा में खूब शोहरत हासिल करने के बाद साउथ सिनेमा में भी कदम रखा और कई फिल्मों में काम किया, जिसमें काढ़ा लार, धीनम, मुरारी और इंदिरा जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें काम करके इन्होंने साउथ सिनेमा में भी अपने एक्टिंग का परचम लहराया और वहाँ भी खूब शोहरत हासिल की। मगर साल 2004 में सोनाली बेंद्रे ने फिल्मों से ब्रेक लिया, पर इनसे पहले ही साल 2001 में ये टेलीविजन में कदम रख चुकी थी और इन्होंने टेलीविजन शोज करने शुरू कर दिए, जिसमें इन्होंने इंडियन आइडल, इंडियाज गॉट टैलेंट और इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज जैसे शोज किए। जिसके बाद साल 2018 में ये खबर सामने आई कि सोनाली बेंद्रे को कैंसर हो गया है, जिसका इलाज इन्होंने न्यूयॉर्क में करवाया और सही होने के बाद इन्होंने फिर से टेलीविजन पर वापसी की। इस तरह से ये फर्श से अर्श तक पहुंची। वहीं बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 2002 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और फिल्म मेकर गोल्डी बहल से शादी की, जिनसे इन्हें आज एक प्यारा सा बेटा भी है, जिनके साथ ही मुंबई में रहकर खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, आपको सोनाली बेंद्रे की फर्श से अर्श तक की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।